अभी आपको बताएंगे, एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। फॉरेंसिक एजेंसी की टीम किराए पर लिए जाने वाले घर पहुंच गई है। तहकीकात का आगाज हो चुका है। जेरे इस्तेमाल रहने वाले घर से शवाहिद इकट्ठे करने का काम दोबारा शुरू हो चुका है। एसएसपी मुफखर अदील ने चंद रोज के लिए घर किराए पर लिया था पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने मामले में किसी एक शख्स के कत्ल का शुबा भी जाहिर किया है। एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया है और फोरेंसिक एजेंसी की टीम भी मुतहरिक है। किराए पर लिए जाने वाले घर पहुंच गई। अली साही से जानते हैं। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे साबक आईजी पंजाब पंजाब आरफ नवाज के ज़माने में पंजाब पुलिस की मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी कि किस तरह पुलिस अफसरान मीडिया पे आके अपना बयानात कलम बंद करवा सकते हैं, किस तरह वो मीडिया पे पोर्ट्रे हो सकते हैं, या दीगर पॉलिसीज़ के बारे में आगाह किया गया था कि मीडिया थानों के अंदर बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से नई जो पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है, जिसमें अहकाम दिए गए हैं कि कोई भी पंजाब पुलिस के अफसरान व अहलकार सरकारी मालूमात अपने प्राइवेट जितना भी गैजेट्स हैं उसमें कर सकते हैं, तस्वीर समेत। अली साही आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे, एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। फॉरेंसिक एजेंसी की टीम किराए पर लिए जाने वाले घर पहुंच गई है। तहकीकात का आगाज हो चुका है। जेरे इस्तेमाल रहने वाले घर से शवाहिद इकट्ठे करने का काम दोबारा शुरू हो चुका है। एसएसपी मुफखर अदील ने चंद रोज के लिए घर किराए पर लिया था पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने मामले में किसी एक शख्स के कत्ल का शुबा भी जाहिर किया है। एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया है और फोरेंसिक एजेंसी की टीम भी मुतहरिक है। किराए पर लिए जाने वाले घर पहुंच गई। अली साही से जानते हैं। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे साबक आईजी पंजाब पंजाब आरफ नवाज के ज़माने में पंजाब पुलिस की मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी कि किस तरह पुलिस अफसरान मीडिया पे आके अपना बयानात कलम बंद करवा सकते हैं, किस तरह वो मीडिया पे पोर्ट्रे हो सकते हैं, या दीगर पॉलिसीज़ के बारे में आगाह किया गया था कि मीडिया थानों के अंदर बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जानब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से नई जो पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है, जिसमें अहकाम दिए गए हैं कि कोई भी पंजाब पुलिस के अफसरान व अहलकार सरकारी मालूमात अपने प्राइवेट जितना भी गैजेट्स हैं उसमें कर सकते हैं, तस्वीर समेत। अली साही आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे, एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। फॉरेंसिक एजेंसी की टीम किराए पर लिए जाने वाले घर पहुंच गई है। तहकीकात का आगाज हो चुका है। जेरे इस्तेमाल रहने वाले घर से शवाहिद इकट्ठे करने का काम दोबारा शुरू हो चुका है। एसएसपी मुफखर अदील ने चंद रोज के लिए घर किराए पर लिया था पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने मामले में किसी एक शख्स के कत्ल का शुबा भी जाहिर किया है। एसएसपी मुफखर अदील और शहबाज एडवोकेट के लापता होने का मामला है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायराकार